श्री योग वेदांत सेवा समिति शिमला के मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह ने रविवार शिमला में पत्रकार वार्ता कर संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि बापू के लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें पैरोल पर जेल से बाहर किया जाना चाहिए, जबकि उनके ऊपर लगे आरोप के चलते वे पिछले 11 वर्षों से जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पैरोल पर छोड़ा जाना भारत की कानून व्यवस्था द्वारा निश्चित किया गया है, परंतु 90% हृदय की बीमारी से ग्रसित संत आसाराम को अभी भी जेल से बाहर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत के अनुयायियों द्वारा पूरे भारतवर्ष में संकल्प यात्रा के माध्यम से संत आसाराम बापू को जेल से बाहर करने के लिए और उनके स्वास्थ्य की कुशलता के लिए यह यात्रा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से राज्यपालों एवं अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर उनके पक्ष में पेरोल देने का आग्रह किया जा रहा है। जी, जैसे आपको बताया कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी हमारे सदगुरुदेव, वो पिछले 11 वर्षों से जोधपुर जेल में है बिना किसी सबूत के, और पॉक्सो एक्ट के तहत उनको वहाँ पर सजा दी गई है, आजीवन कारावास, और कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिली। यहाँ तक के जो सब्जेक्ट मैटर पेरोल का है, सभी बड़े बड़े हीनस क्राइम्स क्रिमिनल्स को भी ये पेरोल तो मिलती ही है, वो भी तक नहीं मिली। 11 साल में 11 दिन की भी नहीं मिली, एक दिन की भी नहीं मिली। और उनका स्वास्थ्य इतनी बुरी तरह से बिगड़ा है, गंभीर हालत है इस समय उनका, यानी कि 10 बीमारियाँ हैं, 99% हार्ट आर्टरीज ब्लॉकेज हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, साइटिका है, ब्लड प्रेशर है, और उनको शुगर है। ऐसी बीमारियों के लिए भी उनको अपने इच्छानुसार जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इलाज नहीं मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि उनको इलाज के लिए तो इंटरिम बेल मेडिकल ऐसी मेडिकल ग्राउंड पर मिलनी ही चाहिए, पेरोल मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रही है। इसलिए हमने यहाँ पर अपनी आवाज़ को प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री राज्यपालों को ज्ञापन देने के माध्यम से, ये ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजने के लिए ये यात्रा निकाली है, सत्संकल्प यात्रा, और चंडीगढ़ में भी निकली, ऐसे ही पटना में निकल रही है, और इधर उत्तर प्रदेश लखनऊ में 10 तारीख को, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पूरे साधक इस प्रकार से संकल्प लेकर के, क्यों अब तो अति हो गई, और अति हो गई इसलिए आकर के सड़कों पर उतर करके अपनी प्रार्थना बिल्कुल संवैधानिक तरीके से एज पर लॉ निकाल रहे हैं शांतिपूर्वक और लैंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए, ताकि हमारी आवाज़ जन हित में, जनता की आवाज़ बन करके ऐसे प्रेस में भी जाए और अथॉरिटीज को भी पहुँचे।